हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि सोशल बुक मार्किंग कैसे करते हैं। देखिए, सोशल बुक मार्किंग ऑफ एजेसियो का पार्ट है और सोशल बुक मार्किंग करने से आपकी वेबसाइट को बैकलिंक्स तो मिलते ही हैं, प्लस रेफरल ट्रैफिक भी मिलता है, क्योंकि जो सोशल बुक मार्किंग साइट्स होती हैं वो काफ़ी पॉपुलर होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे यूजर्स आते हैं और वहाँ से आपको अपनी वेबसाइट पर रेफरल ट्रैफिक मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सोशल बुक मार्किंग जहां भी करें आप हर एक जगह यूनिक टाइटल, यूनिक डिस्क्रिप्शन और यूनिक टैग यूज करें। एटलीस्ट यूनिक डिस्क्रिप्शन आपको हर एक जगह यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 साइट्स का सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं तो 10 के 10 साइट्स पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कई लोग सेम डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही अनइथिकल प्रोसेस है और ये इससे आपकी साइट को बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस ही होगा। सेकेंड थिंग ये है कि आप जब भी सोशल बुक मार्किंग करते हो तो सोशल बुक मार्किंग करने से पहले वहां पे अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बना लो। प्रोफाइल कस्टमाइजेशन के जितने भी ऑप्शन आते हैं वो सारे वहां पे फॉलो करो। और मेन चीज ये याद रखना है कि आपको वहां पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस जरूर डालना है। इससे आपकी एक प्रोफाइल लिस्टिंग भी हो जाती है और इससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, सोशल बुक मार्किंग साइट्स फाइंड आउट करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आप गूगल में जाके और सिंपली सोशल बुक मार्किंग साइट्स सर्च करेंगे, कई सारी साइट्स मिलेंगी जो गूगल में रैंक करती हैं। आप किसी भी साइट्स पे जाके और किसी भी साइट पे जाके आप सोशल बुक मार्किंग साइट्स का लिस्ट दे सकते हैं और वहां से एक एक पे जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी एक जो सोशल बुक मार्किंग साइट है उसको ओपन कर लिया हूँ और इस पे जाके मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ। किसी भी साइट पे जाते हैं आपको सबसे पहले रजिस्टर होना है, तो रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक होने के बाद आपका यूजर नेम, सिंपल जो एक यूनिक सा आपका यूजर नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हो। मैंने यहाँ पे यूजर नेम रख दिया। अब यहाँ पे कोई भी एक आप ईमेल आईडी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दिया। आप वैसा ईमेल आईडी डालना, क्योंकि कई बार वेरिफिकेशन के लिए भी पूछता है। कई जो साइट होती है पूछती है, कई साइट नहीं पूछती है। अगर वेरिफिकेशन के लिए पूछती है तो आपको करना पड़ेगा। पासवर्ड आप रख लो, पासवर्ड भी आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा। मैं कैप्चा को फिल कर रहा हूं। बस इसके बाद आपको क्रिएट यूजर कर देना है। अब देखिए, ये यूजर क्रिएट हो गया। अब जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो देखिए, सिंपल सी चीज है। यहां पे आप सेटिंग्स में जाके आप देखिए, यहां पे रियल नेम आपका जो भी नाम है वो अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप होम पेज का एड्रेस जिस साइट के लिए करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस साइट के लिए करना चाहता हूँ, तो इस साइट का एड्रेस आप डाल देंगे तो एक बढ़िया रहता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, लोकेशन, जितना कुछ आप अपना फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, जो कुछ भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाती है। जैसे कि मैं फेसबुक को पर डाल देता हूं यहां पे, ठीक है। ट्विटर भी आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप जितना इसको कस्टमाइज करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब मैंने इतना करके इसको सेव चेंजेस कर दिया। अब देखिए, सोशल बुक मार्किंग करने का प्रोसेस जो होता है वो सिंपली आप यहां से आपको रजिस्टर होना, रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन हो गए, लॉगिन हो जाएंगे तो आपका यूजर नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा ऑब्वियसली। इसके बाद देखिए, आपको सबमिट न्यू स्टोरी का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट अ न्यू स्टोरी या सबमिट कुछ ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे मैं सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस पे क्लिक करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे टाइप यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग ये मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट कर दिया है। इस तरीके से आपको ये अपने शीट पे रख लेना है। आप 10 साइट पे कर रहे हो तो 10 बार यहाँ पे 10 डिस्क्रिप्शन आप एटलीस्ट अलग अलग राइट कर लो, ठीक है। अब मैं एक आपको करके दिखा रहा हूं। मैंने ये यूआरएल करके यहाँ पे कंटिन्यू किया। अभी देखिए, स्टोरी टाइटल कह रहा है, स्टोरी टाइटल मैंने यहाँ से डाल दिया। टैग पूछ रहा है, टैग मैंने भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। इसके बाद जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ से फिल करना है आपको।
और बस उसके बाद सेव चेंजेस एंड सबमिट। अभी देखिए ये जो है आपका जो URL, देखिए जो फाइनल URL हुआ ये हो गया आपका सोशल बुकमार्किंग डन। अब इस URL को आप कहीं भी ओपन करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे या अपने सीनियर को देंगे तो वो ऐसे ओपन करके देख लेंगे। तो ये आपका सोशल बुकमार्किंग प्रोसेस हुआ। इस तरीके से आप अलग अलग सोशल बुकमार्किंग साइट्स पर जाके और सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके की साइट होती है थोड़ी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, बट सिंपल कंसेप्ट यही है कि किसी भी साइट पे आपको सिंपली रजिस्टर होना है, रजिस्टर होने के बाद लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से सबमिट या सबमिट अ न्यू स्टोरी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपको क्लिक करके और बस अपना URL, डिस्क्रिप्शन टैग, टाइटल ये सब डाल देना है और बस सबमिट कर देना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।